नमस्कार, आप देख रहे हैं TV30 इंडिया और मैं हूं आपके साथ ज्योति गोस्वामी। 11,000 बिजली की लाइन से हुआ बड़ा हादसा। 11,000 बिजली की लाइन का तार टूटने से हुई दो भैंसें खत्म। 11,000 बिजली की लाइन का तार टूटने से हुआ बड़ा हादसा। 11,000 बिजली की लाइन का तार टूटने से दो भैंसों की हुई मौत। हम आपको बता दें कि हजायन विकासखंड के गांव खेटौली में सुभाष चंद्र पुत्र यादराम निवासी खेटौली में पशुपालक के पशु बंधे हुए थे। ऊपर होकर हाई टेंशन लाइन 11,000 का तार टूटने से दो भैंसों की मौत हो गई। घनी आबादी में मकानों के ऊपर होकर बिजली की लाइन जा रही थी, तेज आवाज के साथ फॉल्ट हुआ। चिंगारी का गोला देखते ही देखते दोनों बंधी हुई भैंसों के ऊपर जा गिरा और दोनों भैंसों की मौत हो गई। परिवारजनों का कहना है कि बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही से यह हादसा हुआ है। परिवारजनों के बताए अनुसार दोनों भैंसों की कीमत लगभग 1.5 लाख है। गाँव में मचा कोहराम, परिवारजनों का रो रोकर बुरा हाल। परिवारजन सरकार से मांग रहे हैं मदद। यहाँ से आग लगी बहुत तेज, सब पब्लिक गई भैंस में जोरे और भैंस के जोरे जाते हुए और माँ पे देवी भैंस बचाई के चक्कर में 10-20 आदमी मरने से बच गई। और फिर जाने के बाद में फिर मोटरसाइकिल उठा के फिर डायरेक्ट हसान गए। हसान से जाके लाइट कटी है और फोन पे तो लाइट कटी ही नहीं है। क्यों नहीं कटी फोन पे लाइट, क्या कारण हुआ बता रही है? फोन नहीं उठाया उन्होंने। जब हमने जाके लाइन वहाँ पे कटवाई है, मोटरसाइकिल से गए, जब कटवाई है हमने, जब कटी है। आपके यहाँ पे गांव खटोली में क्या बात हुई है, भैंस कैसे खत्म हुई है, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम नीतीश कुमार, मेरे पिता का नाम सुभाष चंद्र, बाबा का नाम यादराम सिंह। मेरे पिता को ख़त्म हुए 8 महीने हुए हैं और काकते 11,000 की लाइन जा रही थी मेरे काकते घर में और 3:30 बजे काकते लाइन टूट गई और मेरी दो भैंस ख़त्म हो गई। कम से कम 1.5 लाख रुपये तक की थी। अजय, गांव खटोली में क्या हादसा हुआ है, क्या घटना हुई है, इसके बारे में क्या जानकारी देंगे? क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम नाहर सिंह है सर। मेरे घर के पीछे ही मेरे छोटे भाई का सुभाष है, उसकी 6 माह पूर्व मृत्यु हो चुकी है। वो अचानक ही अटैक के कारण मृत्यु हो चुकी है। उस पर 3 बच्चे बेचारा है, उसकी बीवी है गरीब और भैंस पालन करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही है। रात को 11 बजे के लगा हूँ, रात को 3:30 बजे एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। 11,000 का तार टूटा, तार टूट करके दो भैंस मौके पर ही ख़त्म हो गई। इनकी कीमत लगभग 1,60,000 रुपये की, लगभग 80,000 की ये कीमत, एक भैंस की कीमत। तार कैसे टूटा, क्या बात हुई, तार कैसे टूट गया? तार बिजली से टूटा, बिजली आई थी। ये विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण, यहाँ के SDO और JE यहाँ के बहुत बड़ी गलती करते हैं ये लोग। कई बार फ़ोन किया, फ़ोन नहीं उठाया इन्होंने, JE ने, SDO ने, कोई नहीं। उन्हें किसी ने, विद्युत कर्मचारी ने किसी ने फोन नहीं किया, कई बार फोन किया इन्होंने, उन्हें अभी तक कोई मौके पर आए ने कुछ नहीं किया इन्होंने। बताइए, ये निहत गरीब हैं, यदि इनका मुआवजा न दिया तो ये भी आत्महत्या करने पर बाध्य हो सकती है। वो गरीब महिलाएं बहुत ज़्यादा। राजी, गांव खटोली में क्या हादसा हुआ है भैंसों को लेकर, क्या कहेंगे इसके बारे में, क्या नाम है? मैं पूर्व ग्राम प्रधान हूँ, मैं, मेरा नाम किशन पाल सिंह है। बीच रास्ता पर ट्रांसफार्म लगा हुआ है, रोज़ हादसा होते रहते हैं। कभी लाइन वो टूट गई केवल, कभी कुछ टूट गई, आते हैं लगा देते हैं। कई दिन से ये ट्रांसफार्म ख़राब था, सूचना दी शाम को कि ये बीच में से ये तार टूट गया है 11,000 का, कि सुबह आएंगे और सुबह सही करेंगे। रात को 3:30 बजे का किस्सा है, 11,000 की लाइन टूटी। लाइन टूटने पर दो भैंस नीचे बंधी हुई थी, हमारे आँखों के सामने जैसे बड़ा हादसा हुआ। सब लोग मोहल्ला के अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हुए तो वहाँ भैंस के पास पहुँचे तो एक भैंस तड़प रही थी। दोबारा उन्होंने, बिजली वालों ने दोबारा लाइन लगाई, दूसरी भैंस ख़त्म हो गई। और इतने बड़े बड़े चच्चा, 3-3, 4-4 फुट के आग के बबूला से खूब आग के, और वहाँ हैकाएँ आँच बढ़ रही खूब तेज़ी से। अब लोग भाज रहे थे, तड़प रही थी भैंसिया को, उसको पकड़ ले, पर बिजली का डर था बहुत तेज़ी से। ये सबसे ज़्यादा लापरवाही कर रहे हैं बिजली वाले हैं। बीच रास्ता पर लगा हुआ है, आए तार लगा दिया चले गए, कोई ध्यान नहीं है। इस बात को लेकर आपने कहीं किसी से, अधिकारी से, कर्मचारी से कोई शिकायत की थी पहले? अब पहले मैंने जब यहाँ पर ट्रांसफार्म लगा हुआ था दूसरा वाला, जब कही थी, STO साहब नाराज हो गए थे यहाँ कि ये कितनी नीचे लाइन है, ये कितना है, कर देंगे, सही कर देंगे। उस दिन से फिर हादसा ही हो रहा है। STO साहब, JE साहब थे दूसरे पुद्दल नगर वाले, ये कह के चले गए थे। फिर
अब आपका पसंदीदा चैनल टीवी 30 इंडिया उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड के प्रतिष्ठित केबल नेटवर्कों एवं OTT प्लेटफॉर्मों के साथ साथ गूगल प्ले स्टोर पर भी उपलब्ध है। अपनी क्षेत्रीय खबरों के लिए आज ही डाउनलोड करें टीवी 30 इंडिया का एंड्रॉयड ऐप एवं जुड़े रहें टीवी 30 इंडिया के साथ।